हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं शशांक शेखर श्रीराम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के लिए क्लास टेंथ का फिजिक्स का जो चैप्टर है लाइट, लाइट इसको पढ़ेंगे हम लोग। ये चैप्टर लगभग चार पार्ट में इसका वीडियो बनेगा हम लोग। फर्स्ट थ्री पार्ट जो होगा वीडियो का, उसमें हम लोग इसके थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट इसका लेक्चर जो होगा उसमें जो भी रिलेटेड क्वेश्चन सब होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब, वो करने का काम करें। पहले देखिए हम लोग लाइट में फिलहाल अभी जो पढ़ेंगे वो सामने आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा है तो आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक अवेलेबल करा देंगे जहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप देखिए, पहले हम लोग को पढ़ना है, यहाँ पे पहले पढ़ेंगे लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टी। लाइट क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी क्या है। उसके बाद जब ये पढ़ने के बाद हम लोग आएंगे रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर आएंगे इमेज पढ़ेंगे, इमेज के बाद मिरर एंड मिरर भी पढ़ेंगे, और मिरर कितने प्रकार के होते हैं वो भी देखेंगे हम लोग। उसके बाद देखिए रे डायग्राम ऑफ मिरर, और मिरर उसके बाद रे डायग्राम ऑफ मिरर पढ़ेंगे। उसके बाद यूज ऑफ मिरर, फिर हम लोग पढ़ेंगे जब रे डायग्राम और ऑफ मिरर पढ़ लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे मिरर का यूज क्या है, यूज ऑफ मिरर पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग आज साइन कन्वेंशन एंड मिरर फार्मूला। साइन कन्वेंशन, मिरर फार्मूला, ये सब भी पढ़ेंगे। लेकिन आज हम लोग शुरू करेंगे, पहले फर्स्ट टॉपिक हम लोग का है लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टी। देखने आप देखिए हम लोग पढ़ेंगे लाइट एंड इस प्रॉपर्टी के बारे में। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे लाइट का डिफिनेशन दिया हुआ है। लाइट इज अ फॉर्म, क्या दिया हुआ है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल टू सी। अब देखिए लाइट एक एनर्जी का ऐसा फॉर्म होता है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू सी। लाइट एनर्जी का एक ऐसा फॉर्म होता है जिसके कारण हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अब देखे इसका प्रॉपर्टी में आते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी इसका पहला प्रॉपर्टी है इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट डजंट रिक्वायर एनी मीडियम। लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और लाइट को किसी मीडियम ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है, किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर सकता है लाइट। लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट कभी भी हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। और तीसरा प्रॉपर्टी जो है लाइट इज ड्यूअल नेचर, लाइट ड्यूअल नेचर का होता है। पहला होता है पार्टिकल, पार्टिकल नेचर, और दूसरा होता है वेव नेचर। सारे का नोट्स मिल जाएगा आप लोग को, नहीं भी समझ में आ रहा है यहाँ सिर्फ सुन के समझिए। लाइट ड्यूअल नेचर का होता है, पहला पार्टिकल और दूसरा वेव नेचर। लाइट कास्ट शैडो, लाइट जो है शैडो बनाता है, शैडो बनाता है। लाइट क्या बनाता है, लाइट शैडो बनाता है। और स्पीड ऑफ लाइट क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए लास्ट छठा प्रॉपर्टी है व्हेन लाइट फॉल ऑन द सरफेस। आप देखिए जब लाइट किसी शाइनी सरफेस पे फॉल करेगा, या तो वो उसी डायरेक्शन में मुड़ जाएगा, या फिर किसी दूसरे डायरेक्शन में मुड़ जाएगा, उसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब देखिए इस कंडीशन में तो रिफ्लेक्शन हुआ, अगर मान लीजिए किसी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से लाइट पार, मान लीजिए यह ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, लाइट आर पार हो रहा है, तो इस कंडीशन में रिफ्रैक्शन का होगा,
रिफ क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। इस कंडीशन में क्या होगा यहाँ पे? रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होगा इस कंडीशन में वहां पे। अब देखिए हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन लाइट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइक ऑन अ पॉलिश सरफेस, पॉलिश सरफेस भी लिख सकते हैं या शाइनी पॉलिश सरफेस या शाइनी सरफेस लिख सकते हैं आप लोग, लेकिन हम जो लिखे हैं व्हेन लाइट बाउंस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ पॉलिश सरफेस, जब लाइट किसे पॉलिश सरफेस या शाइनी सरफेस पे स्ट्राइक करके वो वापस मुड़ जाए उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आप देखिए कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में जानते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग, एक ये हम लोग का एक प्लेन मिरर है और आप लोगों को पता होगा ये प्लेन मिरर है और नॉर्मल जो है मिरर के परपेंडिकुलर होता है। अगर मेरा परपेंडिकुलर, अब देखिए यहाँ पे एक हम प्लेन मिरर लिए हैं और ये तो आप लोगों को पता होगा मिरर के नॉर्मल जो है मिरर के परपेंडिकुलर होता है। देखिए ये हम लोग का हो गया नॉर्मल, नॉर्मल। और सपोज कीजिए यहाँ पे हम लोग सपोज करते हैं ये एक रे आ रहा है मिरर पे, ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इस रे को एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। और ये जब यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने के बाद इस रे इधर आया, इस रे को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे, आर ई एफ एल ई सी टी ई डी, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए एक बात और यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये है, तो ये जो है आपका हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या होगा आपका, ये जो एंगल बन रहा है ग्रीन साइड से उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये एंगल जो है इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए इस हम आपको इससे पहले भी बोले थे ये दोनों जो एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल इसलिए बोले थे ना, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है। अब देखिए हम आपको बोले थे एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे, एक पॉइंट लिखाए थे ना आपको, एक पॉइंट लिखाए थे याद कीजिएगा, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट अ पॉइंट लाई इन द सेम प्लेन। अब देखिए इंसिडेंस रे भी यहाँ पे है, नॉर्मल भी इसी पॉइंट पे है और रिफ्लेक्टेड रे भी इसी पॉइंट पे है। तो ये जो हम बोले थे आपको कि ये तीनों चारों पॉइंट जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और उसके बाद एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि अब जब हम कहीं भी चर्चा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस या रिफ्लेक्टेड, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का,
तो हम वहाँ पे यूज करेंगे एंगल आई लिखेंगे, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, आप लोगों को पूरा लिखना होगा। हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन आप लोग को एग्जाम देना है, आप लोग शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं कीजिएगा। अगर एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म किए तो फिर टीचर आपके साथ नंबर में शॉर्ट फॉर्म कर सकता है, इसीलिए अपने तरफ से गलती ना करें। ये तो हम एक समझाने के तौर पे टाइम ज़्यादा ना लगे लिखने में, इसलिए हम शॉर्ट में यूज करेंगे, लेकिन आप लोग ऐसा शॉर्ट यूज नहीं कीजिएगा कभी भी। अब देखिए यहाँ पे इमेज का डिफिनेशन आप लोग के सामने स्क्रीन पे पड़ा हुआ है। इट इज ए पॉइंट वेयर एट लीस्ट टू लाइट रे एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। अब देखिए ये कहता है इट इज ए पॉइंट, एक पॉइंट है, एक पॉइंट मान लीजिए जहां पे दो रे मिलता हो, दो रे मिलता हो या मिलने की संभावना हो, या आपको लगता हो कि नहीं ये जो दोनों रे आ रहा है ये दोनों इस पॉइंट पे मिल सकता है, तो वहाँ इमेज कहलाएगा, इमेज फॉर्म होगा वहाँ पे। इमेज का डिफिनेशन एक बार फिर बोलते हैं, सुनिएगा। इट इज अ पॉइंट वेयर एट लीस्ट टू इमेज टू लाइट रे एक्चुअली मीट और अपेयर टू मीट, या एक्चुअली में मीट हो या मिलने की संभावना हो। अब देखिए अब पढ़ते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज। पहला हुआ रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। अब देखिए इसके आगे हम लोग इसके आगे देखेंगे रियल इमेज होता क्या है और वर्चुअल इमेज क्या होता है। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ इमेज के बारे में बता दिए थे, एक वर्चुअल होता है एक इरेक्ट होता है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, पहला है रियल इमेज। रियल इमेज का डिफिनेशन देखिए कहता क्या है, इट फॉर्म्ड व्हेन लाइट रे एक्चुअली मीट। अब देखिए रियल इमेज तभी बनेगा हम लोग का जब ये कन्फर्म है कि दो जो रे है हम लोग का एक्चुअली मीट कर रहा है। अगर एक्चुअली मीट नहीं करेगा तो वहाँ पे रियल इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे प्राप्त कर सकते हैं। आप देखिए लास्ट पॉइंट है इसका इन्वर्टेड, ये इन्वर्टेड रियल इमेज जो है इन्वर्टेड होता है। जैसे कि आप लोग रियल इमेज में कुछ भी देखिएगा आप, अगर यहाँ पे आर लिखा हुआ है तो ये अगर ये रियल इमेज है यहाँ पे आर है तो इधर उल्टा आर दिखेगा हम लोग को ना। ये सी जो लिखते हैं ये रियल इमेज पे हमको ऐसा दिखेगा, सी रियल इमेज में उल्टा दिखता है। आप देखिए रियल इमेज के बाद आते हैं वर्चुअल इमेज पे। वर्चुअल इमेज में आप देखिए क्या कहता है, इट फॉर्म व्हेन लाइट रे अपीयर टू मीट। आप देखिए वर्चुअल इमेज ये कहता है कि व्हेन लाइट अपीयर टू मीट। आप देखिए अगर संभावना भी रहेगा कि नहीं वो जो रे आ रहा है उससे अगर रे मिल के एक पॉइंट पे मिलेगा तो वो वर्चुअल इमेज होगा। वर्चुअल इमेज को हम लोग वर्चुअल इमेज कांट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, और वर्चुअल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और ये इरेक्ट होता है, वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है। इसके बाद देखेंगे हम लोग, इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज देखते हैं, इमेज का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। अब देखें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वर्चुअल होगा इमेज, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। यहाँ पे दूसरा है इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। अब देखिए इक्वल टू द ऑब्जेक्ट बोल रहा है। अब मान लीजिए अगर हम इतना बड़ा ही ऑब्जेक्ट देंगे तो मेरा इमेज भी इतना बड़ा ही आएगा, ऐसा नहीं कि हम एक सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट दिए हैं मेरा इमेज दो सेंटीमीटर का बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बिहाइंड द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट, और जितने डिस्टेंस पे आप मिरर से जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखिएगा
उतना ही पीछे उतना ही डिस्टेंस में आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, उधर इमेज बनेगा। वही कह रहा है बिहाइंड द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट, जितना डिस्टेंस पे आप मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखिएगा उतना ही डिस्टेंस पे आपका इमेज बनेगा। और ये जो होता है लेटरल इन्वर्टेड होता है। और देखिए आज आज के लिए बस इतना ही, अगले आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक तो आज हो गया है। और अभी आप लोगों के सामने व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर और टेलीग्राम लिंक का दिख रहा होगा, आप लोग उस लिंक पे जाके पीडीएफ वहाँ से देख सकते हैं। और ये इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे में इमेज फॉर्म ऑन ए प्लेन मिरर। इसके बाद प्लेन मिरर पे इमेज कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद लेटरल इन्वर्जन पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे। अभी बहुत सारे टॉपिक हैं जो पढ़ेंगे हम लोग। अभी फिलहाल के लिए आज इतना ही, इस क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।